स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल यस एनी क्लासेस। आज हम इनकम टैक्स पर ऐसा स्टार्ट करते हैं। हम एक चैप्टर को स्किप कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है। अभी हम एक छोटा चैप्टर लेते हैं दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिएगा आपने इनकम के पांच पार्ट देखे। इनकम के पांच हेड होते हैं। पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम पीजीपीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो आज हमने एक हेड शुरू कर रहा था। हमने बाकी की क्लासेस का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होती वो देखा था। आज हम आपके सामने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिएगा हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, इसके बारे में हम एक बेसिक चीजें जानेंगे। हाउस प्रॉपर्टी, ओके, तो हर चीज के चार्जिंग सेक्शन होता है, हर चीज के चार्जिंग सेक्शन होता है, और हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। हमें पता चलेगा सेक्शन 22 से कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है और क्यों होती है। ओके, तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है द हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड्स और अपर्टेनिंग थेरेटी। जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या इंक्लूड होगी, उसके अंदर बिल्डिंग भी इंक्लूड होगी। ओके, लैंड बिल्डिंग ये दोनों के हम इसमें इंक्लूड होगी। ओके, और उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर असेसी होना चाहिए। असेसी मस्ट बी द ओनर, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके, एंड द साइड प्रॉपर्टी डज नॉट यूज फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, और वो साइड प्रॉपर्टी उसके बिजनेस और प्रोफेशन के यूज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर उसके बिजनेस और प्रोफेशन के यूज हो रही है तो टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पर टैक्सेबिलिटी कहां होगी आपकी पीजीपी पे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपको सबसे पहले इस चैप्टर में कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको एक बार नजर देख लेते हैं। तो देखिएगा कैसे कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, अभी सारी चीजें आपको पता चलेगी। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ किसने पे की हो, डिडक्शन इसके पेड बाय दी ओनर हिमसेल्फ, अगर ओनर ने खुद ही टैक्स पे किया तो उसी के मिलेगी इसको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम जीएवी में से एक और चीज माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन तब मिलेगी व्हेन रूल 4A सेटिस्फाइड, जब रूल 4A क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा। व्हाट इज रूल 4A, एक एक चीज क्लियर होगी, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि कंप्यूटेशन कैसे होती है। ओके, तो हमने माइनस कर दिया अनरियलाइज्ड रेंट। अगर हम जीएवी में से दो चीजें माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ और अनरियलाइज्ड रेंट व्हेन रूल 4 इज सेटिस्फाइड, देन वी गेट एनुअल वैल्यू, उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, अब नेट एनुअल वैल्यू में से हमें डिडक्शंस माइनस करनी होती है। ओके, और इस हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में डिडक्शंस हमें सेक्शन 24 में दे रखी है, तो हम एनएवी में से डिडक्शंस को माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24। ओके, और इसमें दो डिडक्शन है, पहली डिडक्शन है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। सबसे पहले डिडक्शन है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनएवी का कितना 30% डिडक्शन दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो भी आपने लोन पर इंटरेस्ट पे करिए उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसी का एक पार्ट है इंटरेस्ट ऑन पीसीपी, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इन दोनों की डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो भी हमें पॉजिटिव फिगर मिलेगी दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर एक चैप्टर आता है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसमें हम इसके लॉसेस को क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं। ये तो बात थी कंप्यूटेशन की कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होती है। अब एक एक चीज को हम जानेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहां पर आपको दिया है जीएवी, तो हाउ टू कंप्यूट जीएवी, तो देखिए बच्चों
कि जीएनपी को कैसे कंप्यूट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कंप्यूट करते हैं देखिएगा। ओके, हम कुछ स्टेप के थ्रू इसको समझेंगे। स्टेप वन बच्चों देखिए क्या कहता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू व्हिच एवर इज हाई। हमारे स्टेप वन की वैल्यू कैसे निकलकर आएगी, जब हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो हायर होगा वो वैल्यू को हम ऑप्ट करेंगे। ओके, अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड की हुई है, और फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, वो आपके आसपास में जितनी भी और जगह है उनका रेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फेयर रेंटल चार्ज करते हैं। स्टेप टू देखिए, स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप वन वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर। अब स्टेप टू क्या कहता है, जो स्टेप वन से वैल्यू निकल कर आई है दोनों का हायर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू का हायर, तो स्टेप टू में हम इसको स्टेप वन ले गया और उसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, तो उन दोनों का क्या लेंगे। What is standard rate? Standard rate वो है जो rent control act के अंदर given होता है। Okay? Next is step three. Okay? Step three क्या कहते हैं? Step two value और actual rent whichever is high. Okay? स्टेप टू की वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ जी, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएवी। तो जीएवी हमने कैसे कंप्यूट किया, स्टेप वन में हमने कंपेयर किया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को जो कि विच एवर इज हायर था। नेक्स्ट स्टेप टू में देखा जो स्टेप वन से वैल्यू निकल कर आई थी और हमने उसको कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट था स्टेप थ्री में स्टेप टू वैल्यू जो लोअर का निकल कर आया था और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ जी। अब देखिएगा बच्चों, इसके लिए हम एक नोट लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो इसका मतलब ये लोअर वाला चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम लिख सकते हैं, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन देन हायर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द जी, चीज। ओके, अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि आपका हाउस कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है वैकेंट हो, हो सकता है कोई किराएदार ना आया, तो उस टाइम पीरियड का आपको रेंट मिलेगा नहीं। जब रेंट मिलेगा नहीं तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट की वैल्यू हो सकता है इस स्टेप टू से कम हो जाए। तो देखिए उस केस में क्या करेंगे, एक अगेन नोट और लिखेंगे। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन स्टेप टू वैल्यू ड्यू टू वैकेंसी पीरियड देन इस केस में क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट विल बी द वैल्यू ऑफ उसको हम जीएवी मान लेंगे। अगर आपका मान लेते 9 months के लिए आपका हाउस क्राइप में चढ़ा हुआ है, डाउट है, इसका मतलब 3 months के लिए वो वैकेंट है, तो इस 3 months की वैकेंसी पीरियड की वजह से अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है स्टेप टू से, तो हमारा एक्चुअल रेंट भी हम क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे। ओके, बताइए यहां तक क्लियर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपके बुक का पेज नंबर 171, राइटर है एचसी मेहरोत्रा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको हाउस 3 हाउसेस दे रहे, हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 3। हाउस 1 की म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, हाउस 2 की 20,000 एंड 35,000, फेयर रेंट अलग अलग के बने और एक्चुअल रेंट भी सब अलग है। तो देखिएगा हाउस 1 में अब हम कंपेयर करेंगे, हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने आप लोग को स्टेप्स बताए थे,
तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर कौन सा? 36,000। सेकंड स्टेप हमने देखा था स्टेप 1 वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। और एक आपको नोट भी लिखा है ना, व्हेन स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो तीनों का ही हायर क्या हो जाएगा? जीए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जीएवी हाउस वन के लिए कितना हो गया? 36,000। ओके, और ना ही जी आपका स्टैंडर्ड रेंट यहां पर है, तो स्टैंडर्ड रेंट जब नहीं होता तो तीनों का क्या ले लेते हैं? हायर। तो इसमें से हायर कौन सा है? 28,000। अगेन इसमें भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो सबसे हायर कौन सा? 35,000। तो 35,000 आपका क्या हो गया? जी। देखिएगा नेक्स्ट आपके पेज नंबर 173 इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिएगा आपको इसमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस। आपके पास एक हाउस ए है और हाउस बी है, तो आपको डेटा क्या क्या प्रोवाइड किया गया? म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है, एक्चुअल रेंट भी गिवन है, एंड म्यूनिसिपल टैक्स भी गिवन है। ओके, तो पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका इलस्ट्रेशन था उसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं था, और आपको नोट पे लिखा गया था अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं होगा तो जो भी तीनों का हायर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीएवी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या कंप्यूट करना है? सबसे पहले आपको जीएवी कंप्यूट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन देखिएगा, हम दोनों हाउसेस का एक साथ करेंगे, हाउस ए का और हाउस बी का। तो सबसे पहले हम कंपेयर क्या करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू हाउस ए के लिए सबसे ज्यादा कौन सी है? फेयर रेंटल वैल्यू कितना? 1,20,000। तो स्टेप 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1,20,000 हमारे स्टेप 1 की वैल्यू आ गई। फिर हम स्टेप 1 को किससे कंपेयर करते हैं? स्टेप 1 को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट हमारे कितना है? 90,000। तो 1,20,000 और 90,000, विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर कौन सा है? दैट इज 90,000, दोनों में से लोअर कौन सा है? 90,000। ओके, तो स्टेप 2 की भी वैल्यू निकल कर आती है। नेक्स्ट हम स्टेप 3 में क्या चेक करते हैं? एक्चुअल रेंट और स्टेप 2 वैल्यू, ये स्टेप 2 की वैल्यू थी, तो एक्चुअल रेंट और स्टेप 2 वैल्यू व्हिच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा था? 1,32,000, देन 1,32,000 शैल बी द वैल्यू ऑफ जी। तो जीएवी हमारा कितना आ गया? 1,32,000। तो हमने लिख दिया हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,32,000। ओके, अब इस जीएवी में से हम क्या माइनस करते थे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, सिर्फ किसने पे किए? ओनर ने पे किए, और ओनर ने कितना टैक्स पे किए? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, जितने की भी म्युनिसिपल वैल्यू है उसका कितना? 10%। और यहां किसने देखा, शो किया है? किसने पे किए क्वेश्चन में? ओनर ने पे किए हाउस ए के लिए। ओके, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी अपनी? 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 म्युनिसिपल टैक्स अपने माइनस कर दिए। ओके, अब वैल्यू आ गई अपनी 1,22,000, बट क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए लिखेंगे कि इसमें से जीएवी में से एक और चीज माइनस होती है, वो है अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन कब मिलती है? जब रूल 4 है क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है, और वो क्या है? तो 1,22,000, 1,22,000 किसकी वैल्यू होगी? नेट एनुअल वैल्यू हाउस ए के। नेक्स्ट अब हाउस बी में देखेंगे, हाउस बी में देखिएगा अगेन कंपेयर वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे कंपेयर करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर, तो दोनों में से हायर कौन सा है? 1,00,000 और 1,20,000। 1,20,000 क्या है? हायर। तो स्टेप 1 की वैल्यू क्या होगी? इसको हमने स्टेप 1 लिख दिया। ठीक, अब स्टेप 1 को किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट से। ओके, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,40,000। तो स्टेप 1 वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर भी क्या है? 1,20,000। तो ये किसकी वैल्यू होगी? स्टेप 2 की भी वैल्यू होगी। अब स्टेप 2 को किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट के साथ। तो स्टेप 2 वैल्यू और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, तो 96,000 और 1,22,000 में, 1,20,000 में से क्या बड़ा है? 1,20,000। ओके, जीएवी कितना है? 1,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, और यहां पर टैक्स किसने पेड किए? 3 एंड 10, तो यहां पर डिडक्शन नहीं दी जाती।
क्या हो गया nil, फिर हम माइनस करते हैं उसको से क्या अनरियलाइज्ड भी कुछ नहीं, तो जो वैल्यू जी भी की है वही वैल्यू किसकी आ जाएगी एन ए क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट रुपीज 1 लेते रहेगा पूरे साल का, हाउस लेट आउट पर मंथ आपने कितने रुपए पे अपना हाउस ले रहे 10,000 पर मंथ उसका रेंट है, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर, ओनर ने कितने टैक्स पेड किए 9,000 पे, हाउस रिमेंस वैकेंट, हाउस अलग अलग केसेस में पहले केस में ए केस में 1 महीने के लिए खाली है और बी केस में कितने महीने के लिए खाली 3 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन के पूछने आपसे डिटरमाइन एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ओके। तो अभी तक आपने एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में नहीं सीखा था, अब देखिएगा एक्सपेक्टेड रेंट आगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में जान लेते हैं होता क्या। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, आपका फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों को कंपेयर करके जो हायर वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और याद रखिएगा एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता ओके। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट कितने देते हैं 1 लाख, और एक्चुअल रेंट अगर आप इस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करें बिकॉज इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो जो चीजों में से हायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ओके। बताया करिए आपको चुपचाप पढ़ा करिए ओके ठीक है। देखिएगा तो हाउस टैक्स पेड वैल्यू कितना है 9,000, तो इनमें से हायर कौन सा है, अब आप 10,000 पर मंथ है 10,000 पर मंथ और हाउस कितने मंथ में खाली 1 महीने, इसका मतलब 11 महीने भी गए हो लेट आउट, तो इसका मतलब आपके पास कितना रेंट आया 1,10,000। अब कंपेयर करें 1,10,000 और 1 लाख विच एवरेज आया 1,10,000, यही क्या हो गया आपकी वैल्यू ऑफ जी, तो जी भी कितना हो गया 1,10,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड किसके टीनेंट के ओनर के ओनर के ओके। तो ओनर के टैक्स ओनर ने कितने टैक्स लिखे 9,000 1,01,000 शैल बी द वैल्यू ऑफ एन ए ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हाउस आपका कितने मंथ्स के रेंट है 3 मंथ्स के ओके। तो देखिएगा एक्सपेक्टेड रेंट अगेन वही रहेगा 1,00,000 का रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखिएगा आपको एक्चुअल रेंट निकालना है, एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे 10,000 पर मंथ है और कितने मंथ्स के लिए रेंट आउट है 9 मंथ्स के लिए, तो एक्चुअल रेंट कितना हो गया 90,000। याद करिए जो नोट लिखा था हिस्ट्री बना के क्या था वो नोट कि अगर एक्चुअल रेंट कम हो जाएगा स्टेप टू वैल्यू से किसकी वजह से ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, अगर देखिए अगर 3 महीने के लिए वैकेंट नहीं होता तो हमारे पास रेंट कितना रिकवर होता है 10,000 इंटू वेल्थ कितना 1,20,000। अब जरा 1,20,000 को इस 1,00,000 से कंपेयर करें विच एवर इज हायर 1,20,000, तो ड्यू टू वैकेंसी पीरियड हमारा एक्चुअल रेंट इससे कम था इसलिए हमने इसको जीएवी माना है एक्चुअल रेंट को। तो अब हम लिखेंगे जीएवी इक्वल्स टू 90,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना 9,000, तो 90,000 माइनस 9,000 81,000 शैल बी द वैल्यू ऑफ एन ए। आई होप क्लियर हुआ आप सबको। ये देखिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 124 म्युनिसिपल वैल्यूएशन के ऊपर 1,50,000 फेयर रेंट है 1,80,000 स्टैंडर्ड रेंट भी आ रहा हो अब परेशानी आ रही है आपको 1,60,000 एक्चुअल रेंट कितना है 20,000 पर मंथ ओके। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर कितना है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अनरियलाइज्ड रेंट ओहो एक और चीज अगर अनरियलाइज्ड रेंट कितना है 40,000 और क्या दे रखा है कंडीशन रूल 4A सेट सेट, तो घबराने वाली बात नहीं घबराते तो है ओके। तो देखिएगा सबसे पहले इस एग्जांपल में क्या कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू व्हिच एवरेज है 1,80,000, तो 1,80,000 हमारी किसकी वैल्यू होगी स्टेप 1 की वैल्यू कितनी होगी 1,80,000। अब स्टेप 1 को हम किससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा 1,80,000 और एस को मैं यहां से हटा दूं 1,80,000 और 60,000 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे व्हिच एवरेज लोअर, भूल जाते हैं जब भी कहते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट होगा तो हम क्या करते हैं उसका लोअर चेक करते हैं ओके। अब 1,80,000 और 1,60,000 दोनों में से लोअर कौन सा है 1,60,000, ये हमारी स्टेप 2 की वैल्यू होगी। अब स्टेप 2 को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना है 20,000
और पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड नहीं है, इसका मतलब पूरे साल में कितने महीने 12, तो 12 × 20,000 कितना हो गया 2,40,000। अब जरा कंपेयर करें 1,60,000 और 2,40,000, व्हिच एवर इज हायर 2,40,000, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो जीएबी की वैल्यू कितनी अभी 2,40,000, ठीक है, माइनस जीएबी से कितने डिडक्शंस लेते हैं 2, कौन कौन सी, म्युनिसिपल टैक्स पेड किसके ओनर की, तो ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स कितना लिया है 20%, किसका 20% म्युनिसिपल वैल्यू का, और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 1,50,000, 1,50,000 का 20% कितना होता है 30,000 आपने ये मान सकते हैं, ओके। उसके बाद एक और डिडक्शन दे देते, भूल गए याद है, अच्छा चलो याद है, तो अनरियलाइज रेट कब देते थे, अनरियलाइज रेट जब रूल 4 है सेटिस्फाइड हो जाए। अब सर आपने रूल 4 है तो बताइए ना रूल 4 है क्या, अच्छा बेटा सुन लो रूल 4 है क्या, रूल 4 है ये है जब ओनर शाम दाम दंड के सारी चीज अपना, कहने का मतलब है जब असेसी नेसेसरी स्टेप अपने रेंट को रिकवर कराने के लिए अपना ले और तब भी आपका टीनेंट पैसे नहीं दे पा रहा, मतलब आपका टीनेंट बेशरम हो गया, बेहया हो गया, बेमुरम्मत हो गया, पैसे नहीं दे रहा और आपने सारी चीजें अपना ली, तब आपको रूल 4 सेटिस्फाइड कर दिया आपने, तब आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो माइनस अनरियलाइज्ड रेट कब डिडक्शन करेगी जब रूल 4 सेटिस्फाइड है, कितना 40,000, तो 70,000 अगर माइनस कर दिया सोचे तो कितना बचेगा 1,70,000 शेल बी द वैल्यू ऑफ एन ए बी, क्लियर। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।